तो दिशा अजीमा है एंड गाइस, जैसे कि सभी लोगों को पसंद है पतला लगना, पतले लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं हमें फूड का जो हम नहीं कर पाते। कैसे आप विदिन 2 मिनट कर सकते हैं अपने 2 to 3 inches कम? यस, मैं कोई ऐसे मैजिक की बात नहीं कर रही कि मैं कोई मैजिक करने वाली हूँ। गाइस, मैं एक बहुत छोटी सी ट्रिक मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप अपनी ड्रेस को लाइक कोई भी ड्रेस पहनते हो ना, आपका उसमें वो बल्बी एरिया नज़र आता है टमी पे, तो वो नज़र नहीं आने वाला है। आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे तो बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगी। तो एनी हाउ, मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी पहनूँ, मेरे आपको कभी भी टमी नज़र नहीं आएगी। तो उसका सीक्रेट है, रिवील करूं या नहीं करूं? रिवील तब करूंगी जब आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड वीडियो अगर पसंद आता तो शेयर करेंगे एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बेल आइकन दैट बटन जो बेल का बना हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा बेल बटन बना हुआ है साइड में, सब्सक्राइब के जस्ट अपोजिट एक बेल बटन बना हुआ है, उसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। 2 से 3 inch में अपने कम कर लेती हूँ इसके थ्रू, तो वो क्या है? एनी केसेस, कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं कर पाए हो तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेल्ट। मैंने इसको आफ्टर 10 days बाद ही, डिलीवरी आफ्टर 10 days बाद स्टार्ट कर दिया था पहनना, लेकिन पहनने के बाद कुछ दिनों तक, 2 or 3 days तक थोड़ा सा ना मतलब इरिटेशन होती है, लाइक अलग से आप कुछ पहन के रखते हैं तो इरिटेशन होती है, वो भी आपके बॉडी पे बिल्कुल टाइट, तो लगता है कि आप निकाल लिया जाए, बट मैंने उसे नहीं निकाला। मैं सिर्फ इसको नहाने जब जाती थी टेकिंग अ बाथ, तब मैं इसको निकालती थी, लेकिन उसके बाद से होल नाइट, इवन नॉट इवन नाइट, मैं इसको नाइट में भी नहीं निकालती थी, मैं पूरी रात उसको पहन के रखती थी। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैंने इसको पहना एंड आफ्टर, जब मैं प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद खड़ी हुई तो लोगों के वो फैट नज़र आते हैं ना लटके हुए, सब लोगों ने मुझे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि रीमा व्हाट आर यू ईटिंग एंड व्हाट आर यू डूइंग। मतलब लोग प्रेगनेंसी से उठने के बाद बहुत फैटी लगते हैं, उनके टमी पे बल्जेस आ जाते हैं, फैट लटकने लगता है टमी पे, लेकिन तुम्हारा तो कहीं फैट ही नहीं नजर आ रहा। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था वो ये बेल्ट। मैंने इस बेल्ट को कंटिन्यू पहन के रखा, इससे मेरा ना तो फैट बढ़ा टमी का और ना ही मुझे इसने बैक पेन में भी सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे को बैक पेन का भी एक्चुअली, आप प्रेगनेंसी से उठते हैं, प्रेगनेंसी से उठने के बाद आपको बैक पेन रहता है, तो वो बैक पेन में भी मुझे सपोर्ट मिला है, एक स्ट्रेट पोस्चर मिलता है इससे, जिस वजह से हमारा बैक पेन भी काफ़ी हद तक रिलीफ होता है। एंड गाइज ये बेल्ट मतलब इतनी सॉफ्ट है, देखिए किसी भी तरह से सॉफ्टली आपके हाथों में आ जाएगी। एंड गाइज, इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे इसे लिए 3 साल हो गए हैं, तो आई कांट से कि क्या, आई थिंक ये मैंने क्लफैक्टर से ऑर्डर किया था, तो ये अराउंड मुझे मिला था ओनली 250 का, जहाँ तक मुझे याद है 250 के आसपास ही था, इससे ज़्यादा नहीं था इसका प्राइस, तो ये मुझे 250 का मिला था। अभी अगर इसका मुझे क्लब फैक्टर पे लिंक मिलता है तो मैं आपको जरूर सेंड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। तो गाइज, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको जस्ट एनी हाउ, आपने अभी इसे पहना और पहनने के बाद आप कोई भी ड्रेस पहनते हो तो उसमें आपके बल्जेस नजर नहीं आएंगे, टमी फैट नहीं आएगा। सबसे पहले मैं बताऊं आपको इस बेल्ट के बारे में, तो बेल्ट ये आपकी आती है एक, जैसे कहते हैं ना इलास्टिक फैब्रिक में, कितना स्ट्रेच कर लो इजिली स्ट्रेच हो जाता है। एंड इसमें आते हैं आगे लगे हुए ये हुक्स लगे हुए आते हैं इसमें आगे, जिससे आप इसको, एंड इस साइड आता है इस तरह के लॉक्स जिसमें आप इसको फिट कर सकते हैं लाइक दिस। तो गाइस, जब मैंने लिया था इसको तो मेरी टमी पे ही फर्स्ट यहाँ इस लॉक में मेरा ये हुक लग पाता था फर्स्ट लॉक में, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे पहनना शुरू किया, विद इन अ वीक मेरा ये सेकेंड लॉक पे आना शुरू हो गया, फिर ये थर्ड लॉक पे आना शुरू हो गया, इस तरह से बढ़ता चला गया, लेकिन इसमें सिर्फ 3 locks थे,
तो मुझे चाहिए था और लॉक्स, मुझे अपने बेली फैट को और रिड्यूस करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो और बेल्ट मंगवाई थी वो मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, क्योंकि वो यहाँ इस एरिया पे ना बहुत ज़्यादा टाइट रहती थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने उसको कट करके अपनी डॉटर की जैकेट बना दी उसका, और उसका इस एरिया को काट के मैंने लॉक्स एरिया को यहाँ पे सेट कर लिया, स्टिच कर लिया। तो ये मेरी मतलब इसमें मेरा लॉक्स के एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गए, तो इसमें अब मैं इस लॉक को इस एरिया पे यहाँ पे लगाती हूँ। तो यहाँ लगाने के बाद लुक, मतलब मेरे को इतना ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मेरा बेलीफैट रिड्यूस हो गया हो, बिल्कुल गायब हो गया हो। गाइस ये एक ऐसी चीज है ना जो आपके फैट को बहुत इजीली रिड्यूस कर देती है, एंड गाइस बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रेचेबल है, और ये आज भी ऐसी की ऐसी ही है। 3 साल हो गए मुझे इसे लिए हुए, 3 इयर्स में इसका कुछ नहीं गया है, कहीं से ये लूज नहीं हुई है, और ये जैसी है वैसी ही आज भी है। तो इसके बाद मैंने एक और ली थी, एक्चुअली मुझे लगा 250 की है तो इतनी अच्छी शायद नहीं होगी, अगर मैं थोड़ा और कॉस्टली प्राइस पे जाऊँ, प्राइस वाइज अगर मैं थोड़ा और कॉस्टली लेती हूँ बेल्ट को, तो मे भी शायद इससे और अच्छी आया, मे भी मेरे को रिड्यूस अपने बेली फैट को रिड्यूस करने में और हेल्प मिल पाए। तो मैंने एक और बेल्ट ऑर्डर की क्लब फैक्ट्री से, बट वही जो मैंने बताया, जिसका मैंने बकल काट के ये एरिया काट के, लॉक एरिया काट के मैंने इसमें लगाया है, वो बेल्ट मेरी बिल्कुल कारगर नहीं थी, बिल्कुल भी कारगर नहीं थी, मतलब वो मैंने पहनी ही नहीं। मैं उसे जब भी पहनती थी तो वो मुझे यहाँ चुभती थी, इस एरिया में चुभती थी, बिकॉज वो पूरी इस तरह से कवर करके लाइक अ जैकेट थी, और बहुत टाइट जैकेट थी, तो वो मुझसे नहीं कैरी हो पाई, तो मैंने इसलिए उसको नहीं लिया। गाइस फिर मैंने एक बेल्ट ये और ऑर्डर की, अब इसमें क्या दिक्कत है मुझे वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे एक तो ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, इसके ऊपर पहले तो ये टोटली वेस्ट है, टोटली वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप जब इस तरह से इसको थोड़ा सा भी अपनी टमी पे टाइट करके, लाइक आपने इसको अपनी बेल्ट अपने टमी पे लगाया है इस बेल्ट को, उसके बाद आप लाइक मैं आपको इसे बिल्कुल अलग करके दिखाती हूँ, ये 2 पार्ट्स में है, बस पीछे इसलिए लगी हुई है एंड आगे ये पूरी इस तरह से है। तो ये आपने अपने टमी पे पहन लिया इस बेल्ट को, ठीक है, इस तरह से आपने पहन लिया, उसके बाद आप इसके इस पार्ट को, एरिया को कवर कर रहे हैं अपने टमी के ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप कवर कर रहे हैं। तो कवर करके साइज एडजस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर कोई टॉप या ड्रेस डालेंगे तो जैसे ही इस पर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है, ये खुद ब खुद लूज हो जाती है, खुल जाती है, ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए मैंने इस बेल्ट को यूज नहीं किया। तो ये इसी वजह से मैंने इसको भी थ्रो आउट कर दिया, ये मेरी न्यूली ऐसे ही पड़ी हुई है, आज तक मैंने इसको सिर्फ 1-2 बार पहना था, पर वही जो चीज़ हुई ये अपने आप ही ओपन हो जाती थी, तो इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लगी। इसका प्राइस मुझे भी याद नहीं है, अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, बट आई डोंट थिंक सो अभी आप लोगों को मुझे लिंक मिल पाएगा या क्लब फैक्ट्री ओपन भी हो पाएगा, बिकॉज सारे साइट्स अभी बंद है। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अपने इन लॉज से अपनी मदर के घर जा रही हूँ तो भी मैं इस बेल्ट को ले जाना नहीं भूलती, बिकॉज अगर मुझे सडन से कहीं भी जाना है, गाइस आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर बेबी, हम सभी के, हम चाहे कितना भी ट्राई कर ले, बट थोड़ा ना थोड़ा बेली फैट हमारे टमी एरिया पे आ ही जाता है, तो वो चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, नॉट इवन मी। तो फिर उसको हाइड करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ तो चाहिए ही, जो बिना मेहनत किए, बिकॉज आई एम टू लेजी अबाउट वर्कआउट, मैं वर्कआउट नहीं करती, मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ ऐसा नहीं करती। तो आई थिंक आप लोगों में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो चाहते तो होंगे बट उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है वर्कआउट करने का या फिर अपने आप को टाइम देने का, तो उसमें आपके लिए सबसे इजी सॉल्यूशन है ये बेल्ट। इसके थ्रू आप अपनी बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगर रिड्यूस नहीं भी होता है ना, मैंने तो रिड्यूस किया है बट मैं आपके लिए नहीं कहती, बट अगर आपका रिड्यूस नहीं भी होता है ना, तो हाइड तो बहुत इजीली होगा, और हाइड करके आप कोई भी ड्रेस पहनिए बहुत सुंदर लगेगी। ये सबसे अच्छी चीज़ है इस बेल्ट की, और ये बेल्ट ना आपकी ड्रेस के अंदर शो भी नहीं होती, कहीं भी नहीं दिखाई देगी पहनने के बाद कि आपने ये बेल्ट पहनी हुई है। एंड आई कांट सर्वाइव विदाउट दिस बेल्ट, बहुत ज़रूरी है ये बेल्ट मेरे लिए। तो गाइज ये थे मेरा रिव्यू अबाउट दिस बेल्ट, अगर आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं।